नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एडमिट्स क्लास में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए वीडियो बनाने वाला हूं। हां दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आगे की तैयारी के लिए, 2022 की तैयारी के लिए आप जो है वीडियोज़ बनाइए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं बताने वाला हूं कि तैयारी हम कैसे करें और क्या क्या चीज़ें जो है हमें अभी से जो है तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमको कैसे पढ़ाई करना है, उस हिसाब से मैं आज का पूरा वीडियो आज को आपको जो है बताने वाला हूं। दोस्तों साथ ही जो है मैंने प्रीवियस ईयर पिछले सालों में जो है बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 2020 और 2021 की तैयारी के लिए मैंने एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल दोनों के लिए जो है वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लगभग 50 से 60 वीडियोज़ हैं मेरे, और पिछले जो साल हैं 2020-2021 में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। साथ ही दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि जो 2013 से लेकर के जो भी पेपर्स हैं, 2013 से लेकर अब तक के जो भी पेपर्स हैं उनको जरूर आप जो है सारे पेपर्स को हल जरूर कीजिए, तो निश्चित रूप से उनमें जो है उनमें से जो है 50+ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं दोस्तों, तो बहुत सा आपको जो है उससे लाभ मिलेगा। साथ ही मैंने जो मैं बता रहा हूँ कि आपको 2013 से लेकर के 21 तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी पेपर्स के वीडियोज़ हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल की लिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं 2022 की तैयारी के लिए हमको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर जो है 15 जो है 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का होता है दोस्तों, 1 मार्क पर। हम देख सकते हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है छठवीं से लेकर के 6th क्लास से लेकर के जो भी ग्रामर में जो भी सिलेबस है दोस्तों उसको आप कवर कर लीजिए। इसमें जो है मुहावरे, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है और आपका संधि है, संधि समास और रस छंद अलंकार और वर्तनी है। इस प्रकार से जो है सारे जो है सिलेबस जो भी है इसको जो है आप हिंदी ग्रामर में जो है हिंदी व्याकरण में जो है आप तैयार कर लीजिए दोस्तों, छठवीं से लेकर के और 8th क्लास में जो भी हिंदी में आपका सिलेबस है, हिंदी में जो भी चीज़ें हैं हिंदी व्याकरण में, उसको सारी चीज़ों को आप जो है कवर कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं अंग्रेजी व्याकरण, इसमें इंग्लिश ग्रामर में जो है इसमें भी जो है 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और 15 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो है टेंस देख लीजिए दोस्तों, नरेशन है, वाइस है और एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, नंबर, जेंडर, ओपोजिट वर्ड, इनको आप देख लीजिए दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में। इस प्रकार से जो है जो भी 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक जो भी इंग्लिश ग्रामर में जो है आपको सिलेबस है उस सारे को आप जो है कवर कर लीजिए। तो इनमें से अलग जो है कुछ नहीं पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें 6th क्लास से लेकर के आप जो है 8th क्लास तक जो है आप कवर कर लीजिए दोस्तों। आगे हम देखते हैं पर्यावरण, पर्यावरण जो है इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप जो भी 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक जो भी आपके सिलेबस में पर्यावरण से संबंधित जो भी आपका लेसन है उसको जो है आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों समान अध्ययन, जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन, इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों साथ ही जो है मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस पर जो है आप, और साथ ही जो है वर्तमान घटना चक्र से संबंधित जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप तैयारी करते रहिए। आगे दोस्तों विज्ञान, साइंस से संबंधित क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस पे जो है साइंस के लिए भी आप जो भी आपका सिलेबस है 6th से लेकर के 8th क्लास तक उसको जो है आप कवर करिए दोस्तों। आगे देखते हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स, इस पे 20 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों और 20 मार्क्स का रहता है मैथ्स, गणित। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है मैथ्स में भी आप 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक जो भी
आपका सिलेबस जो भी आपका है दोस्तों उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए, और इस पर जो है खास करके एट्थ क्लास पे ज़्यादा आप फोकस करिए, क्योंकि एट्थ क्लास की मैथ्स जो है ज़्यादा पूछी जाती दोस्तों। इस प्रकार से जो है सारा सिलेबस आप देख सकते हैं, अभी से आप तैयारी चालू कर दीजिए दोस्तों, और मैं बीच बीच में जो है वीडियोस बनाते रहूँगा तो उन वीडियोस को आप देखते रहिए। पिछले सालों में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, उनको ज़रूर देखिए। मैंने जो है जितने भी पेपर्स हैं 13 से लेकर के 21 तक, 2013 से लेकर 2021 तक सारे पेपर्स को मैंने हल किया हुआ है, तो सारे पेपर्स को एक बार आप ज़रूर देखिए। और साथ ही बीच बीच में मैंने और भी तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सिलेबस को। हिंदी व्याकरण पूछी जाती है 15 नंबर की, और अंग्रेजी ग्रामर जो है इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है 15 नंबर की। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाते हैं। समान अध्ययन जनरल नॉलेज जिसमें मध्य प्रदेश का और समसामयिक भी रहता है दोस्तों, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान साइंस से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के, और गणित मैथ से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों 20 नंबर के। इस प्रकार से जो है टोटल 100 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं दोस्तों, और 100 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। इस प्रकार से जो है आप अभी से दोस्तों तैयारी चालू कर दीजिए, ताकि आप मेरे पिछले सालों के वीडियोज देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा दोस्तों उन सारे वीडियो से। आगे भी मैं वीडियो को बनाते रहूँगा दोस्तों। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।